गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अपना टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस जो लास्ट क्लास में करे थे, हमने 7 क्वेश्चन करे थे, आज उससे आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12 और 13 को देखेंगे। उसके बाद हम और इसमें आज कंप्लीट कर लेंगे वीडियो में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को, मिसलेनियस के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो पहले जो हमने फॉर्मूले अभी फ़िलहाल 13 क्वेश्चन तक यूज़ कर रहे हैं, वो फॉर्मूला देख लीजिए आप। एक तो हम टेन ए माइनस बी यूज़ करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ये टेंथ का फॉर्मूला है आपको जो बीच में यूज़ होने वाला है। एक टेन थ्री थीटा भी यूज़ होगा, तो इसको भी देख लो। फिर मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा की पेयर बनते हैं, इनका सम पाई बाई टू आता है। टेन का कॉट से बनता है, सेकेंड कोसेकेंड से बनता है। ये कुछ वैल्यूज़ है जो हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 होती है, कॉस पाई बाई टू की 0, टेन पाई बाई फोर की वैल्यू 1। ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हो। देन दिस विल बी लाइक दिस। ओके, चलो ये आपकी होमवर्क शीट है। शुरू के 4 क्वेश्चन है आपके पास। आपको ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं अपने आप, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। इसका जब वीडियो चलेगी तो स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। उसके बाद 5 to 8 ये क्वेश्चन है आपके, 5 to 8 आपके ये क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके देख लेना वीडियो को। चलिए, सो हमने क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करना है। देखो, क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो आज ये है, टेन इनवर्स कॉस माइनस साइन कॉस अपॉन प्लस प्लस साइन एक्स, टेन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स ब्रैकेट दिस और दिस, इस टाइप से हम यूज़ करेंगे। ये आपका एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, जो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको बुक में भी मिल जाएंगे क्वेश्चन, सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं पहले। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स ब्रैकेट कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। क्या करा हमने इसमें, कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर को भी डिनोमीटर को भी। तो यहाँ आप अगर न्यूमरेटर भी डिवाइड करोगे डिनोमीटर भी डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी टेन इनवर्स 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, जो कि बन जाएगा आपका टेन इनवर्स 1 की जगह आप रखोगे टेन पाई बाई फोर बन जाएगा। इस टेन एक्स के साथ आप 1 इंटू लिख सकते हो, तो यहाँ हो जाएगा टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स। तो ये देखो आपका टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन पाई बाई फोर टेन एक्स बन गया। यानी कि अंदर क्या फॉर्मूला बन गया आपको, टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। कैसे, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, ये फॉर्मूला बन गया आपका। तो इसमें हम टेन ए माइनस बी लिख देंगे, इसको एक्सक्लूड इंक्लूड करके टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स हो जाएगा, टेन और टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा पाई बाय फोर माइनस एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बताया है कि स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब भी हो, या तो आप एक्स को ए साइन थीटा पुट कर सकते हो या फिर एक्स को ए कॉस थीटा पुट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमें टेन बनाना है और एक्स ऊपर है तो साइन हमारा ऊपर होना चाहिए, इसलिए हम एक्स को ए साइन थीटा पुट करेंगे। ठीक है ना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्स हमारा ऊपर है और हमें टेन इनवर्स है बाहर तो अंदर भी टेन चाहिए, तो हम एक्स को ए साइन थीटा पुट कर देंगे। यहाँ एक्स को ए साइन थीटा पुट करा, यहाँ हो गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर कितना रह गया, फिर ए साइन थीटा ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। आप टेंथ क्लास का फॉर्मूला देखो, इसकी वैल्यू कितनी होती है, कॉस स्क्वायर थीटा होती है, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा तो कितना बचेगा, ए कॉस थीटा बचेगा, ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आ जाएगा, जिसकी वैल्यू टेन थीटा होती है।
तो टेन इनवर्स टेन थीटा कितना रह जाएगा, टेन और टेन इनवर्स कैंसिल होकर आपका वैल्यू आ जाएगा थीटा। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपका एक्स में था, क्वेश्चन आपका एक्स में है और आंसर आपका थीटा आ रहा है, तो यानी कि आपका आंसर भी पूरा नहीं आया, आपको आंसर भी एक्स में पुट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, क्या पुट करा है आपने, एक्स को ए साइन थीटा पुट करा है आपने, क्या पुट करा है एक्स को ए साइन थीटा पुट करा है। तो यहाँ से आप पहले थीटा की वैल्यू निकालोगे, थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, ए को आप डिवाइड करोगे तो एक्स बाय ए बनेगा, साइन इधर जाएगा कितना बन जाएगा थीटा का वैल्यू, साइन इनवर्स एक्स बाय ए बन जाएगा। तो यहाँ पर थीटा की जगह हम लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स बाय ए, यानी कि जो हमारा कंप्लीट आंसर आएगा वो साइन इनवर्स एक्स बाय ए आएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सॉल्व हो जाएगा। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर माइ थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे हम, फॉर्मूला क्या बनेगा, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमने एक्स को ए टेन थीटा पुट कर दिया, ए क्यूब कॉमन आ गया, कैंसिल आउट हो गया, फॉर्मूला बचा हमारा थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा, जो कि फॉर्मूला बनता है हमारा टेन थ्री थीटा का। टेन इनवर्स और टेन कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू रह जाएगी सिर्फ थ्री थीटा। अब थीटा की वैल्यू देखो, हमने पुट क्या करा है, एक्स को ए टेन थीटा पुट करा है, तो अगर हम एक्स को ए टेन थीटा पुट करेंगे, ए टेन थीटा पुट करेंगे, तो यहाँ से एक्स बाय ए आएगा हमारा टेन थीटा के इक्वल, तो थीटा हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स एक्स बाय ए, थीटा हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स एक्स बाय ए। तो यहाँ थ्री इंटू टेन इनवर्स एक्स बाय ए हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। आंसर हम थीटा में नहीं छोड़ सकते क्योंकि क्वेश्चन हमारा एक्स में दिया हुआ है, तो मैं लास्ट में एक्स में ही अपना आंसर लाना है, तो थीटा की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स वन बाई टू, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार आता है वन मार्कर क्वेश्चन में। यहाँ पे हमेशा हमें क्या चलना है, लास्ट से चलना है, हमेशा क्या करना है, लास्ट से। साइन इनवर्स वन बाई टू दिया हुआ है जैसे, तो वन बाई टू कितने पे आता है वैल्यू, साइन थर्टी पे आता है, तो पहले उसकी वैल्यू निकली है साइन थर्टी पे, ठीक है। अगर यहाँ कॉस इनवर्स होता तो फिर वन बाई टू कॉस में कहाँ होता है, सिक्सटी पे आता, तो कॉस सिक्सटी लिखते। तो इस हिसाब से सोचना कि बाहर किस कौन सा फंक्शन है, उसके हिसाब से हमें वन बाई टू लिखना है। तो साइन इनवर्स साइन थर्टी हो गया, साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो गए, थर्टी रह गया, तो थर्टी इंटू टू हो जाएगा कितना, हो जाएगा सिक्सटी, तो इतना बन गया कॉस सिक्सटी डिग्री। कॉस सिक्सटी डिग्री का अभी मैंने आपको वैल्यू बताई है कितनी होती है, वन बाई टू होती है, तो यहाँ टू इंटू वन बाई टू हो गया, कैंसिल हो गया, कितना बचा आपके पास, वन बचा, तो टेन इनवर्स टेन पाई बाय फोर हो गया। वन की वैल्यू कितनी होती है, टेन पाई बाय फोर होती है, तो टेन और टेन इनवर्स कैंसिल होकर कितना बच गया आपके पास, पाई बाय फोर। तो आंसर आ जाएगा आपका इसमें पाई बाय फोर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2। अब देखो यहाँ पर कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए, मैंने आपको बताया था फॉर्मूले में स्टार्टिंग में कि टेन का कॉट के साथ पेयर बनता है, साइन का कॉस के साथ और कोसेकेंट का सेक के साथ, और तीनों का फॉर्मूला बनकर लास्ट में आता है पाई बाय टू। तो यहाँ मैंने फॉर्मूले लिखवा भी रखे हैं और फॉर्मूलों के अंदर भी दे रखा है आपको कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा पाई बाय टू होता है, टेन इनवर्स थीटा प्लस कॉट इनवर्स थीटा पाई बाय टू होता है, सेकेंड इनवर्स थीटा प्लस कोसेकेंट इनवर्स थीटा पाई बाय टू होता है। तो यहाँ पर कॉट टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स की जगह पाई बाय टू आ जाएगा, कॉट पाई बाय टू क्या होता है, कॉस पाई बाय टू अपन साइन पाई बाय टू, कॉस पाई बाय टू की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, साइन की वन, तो आंसर आ जाएगा जीरो, आंसर आ जाएगा आपका इसका जीरो आ जाएगा। इसके बाद देखिए, इफ पिक्स मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा जो भी सॉल्यूशंस हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इतना मैं टाइम आपको दे रहा हूँ कि आप इजीली इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो सभी चीज़ों का। ना क्वेश्चन नंबर 5, टेन वन बाई टू साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर है। तो यहाँ हम एक्स को टेन थीटा और वाई को टेन फाई पुट कर रहे हैं,
एक्स को टेन थीटा और वाई को ऐसे समझ लो, एक्स को हमने यहाँ टेन थीटा पुट करा है और वाई को टेन फाई, ठीक है, ये हमने पुट कर लिया। तो यहाँ हमने पुट करेंगे तो टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहाँ कॉस इनवर्स वन माइनस टेन स्क्वायर फाई अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर फाई हो जाएगा। ये फॉर्मूला किसका बनता है? साइन टू थीटा का। ये फॉर्मूला किसका बनता है? कॉस टू थीटा का। तो यहाँ पे कॉस टू फाई आ जाएगा उसकी जगह, ठीक है, कॉस टू फाई और साइन टू फाई आ जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन से कट जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस से कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी टू थीटा प्लस टू फाई, टू थीटा प्लस टू फाई। ये मैंने कॉस ऊपर लिख लिया है, थोड़ा आप ऐसे लिख लो, चाहे टू फाई करके लिख लो, ठीक है ना, थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम था। तो कॉस इनवर्स कॉस टू फाई है, टू टू से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा थीटा प्लस फाई। तो टेन थीटा प्लस फाई क्या होगा? टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। अभी हमने देखा है टेन थीटा की वैल्यू क्या थी, एक्स, टेन फाई की वाई, वन माइनस टेन थीटा टेन वाई, यानी कि एक्स इंटू वाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। जिस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया होता है, एक्स वाई में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आंसर भी आपका एक्स वाई के अंदर ही आना चाहिए। सो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है ये। साइन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है, ये साइन आपका ब्रैकेट के बाहर है, तो आर एच एस पे ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1 बन जाएगा, ठीक है। ये इधर एल एच एस से आर एच एस में जाएगा तो साइन इनवर्स 1 बन जाएगा, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई टू होती है। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू हो जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स को पाई बाई टू के पास ले जाओगे तो कितना बनेगा, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। क्यों होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा कितना होता है, पाई बाई टू होता है। तो उसी फॉर्मूले से यहाँ पे कॉस इन उसी फॉर्मूले से यहाँ पर साइन इनवर्स थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स थीटा। यहाँ पर वो फॉर्मूला लगा दिया तो साइन इनवर्स एक्स आ गया, साइन और साइन कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1/5 हो गई। ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, टेन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू इज इक्वल टू पाई बाय फोर है हमारे पास। तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी लगाएंगे, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाते हुए चल रहे हैं। अब टेन इनवर्स कैलकुलेट करोगे भाई, एलसीएम लोगे और कैलकुलेट करोगे, ये वैल्यू आ जाएगी इसके बाद। अब आपको पता ही है टेन इनवर्स पाई बाय फोर के पास जाएगा तो कितना बचेगा, टेन पाई बाय फोर की वैल्यू वन आ जाएगी, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करते हुए हमारे पास लास्ट में आएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर इक्वल टू माइनस थ्री, टू एक्स स्क्वायर फोर माइनस थ्री हो जाएगा, यहाँ पर टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1/√2, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी का। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन टू पाई बाई थ्री। अब आपको पता है ये प्रिंसिपल वैल्यू के अंदर आना चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। अब यहाँ देखो टू पाई बाई थ्री कितना होता है आपका, 120 डिग्री हो गया। 120 डिग्री को कैसे लिखोगे, 180 माइनस 60, ठीक है ना। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ पे साइन साइन कट जाएंगे, पाई बाय थ्री रह जाएगा, पाई बाय थ्री 60 डिग्री किसके बिलोंग में करता है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में, तो यही आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर अपना 17 क्वेश्चन। मैंने आपको होमवर्क दिया कि बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है, तो अपना दिमाग लगाना इसको करने के लिए, और ऐसे क्वेश्चन अगर जो आप खुद करने लग जाओगे तो आपको कंसेप्ट समझ में आने लग जाएगा अपना। सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ टेन साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो यहाँ पर कितना हो गया आपका, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू ए, साइन ए की वैल्यू कितनी होगी 3/5, कॉस ए की वैल्यू कितनी होगी 4/5, टेन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4 हो जाएगी। भाई साइन ए उधर जाएगा, साइन ए की वैल्यू 3/5, कॉस ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉस ए की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, कॉस ए की वैल्यू होगी स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही होती है ना। तो वहाँ से फॉर्मूला लगाओगे तो वैल्यू आ जाएगी कॉस ए की 4/5, और साइन अपॉन कॉस कर दोगे 10 आ जाएगा आपके पास, 10 आ जाएगा 3/4, ठीक है। तो इसके बाद आपका टेन अप 3/4 आने का मतलब है कि ए की वैल्यू आ गई है आपके पास टेन इनवर्स 3/4। तो यानी कि ए की वैल्यू टेन इनवर्स 3/4 आ गई है, तो हम उसको क्वेश्चन में स्टार्टिंग में साइन इनवर्स की जगह क्या लिख देंगे, क्वेश्चन में क्या है हमारा साइन इनवर्स था ना, साइन इनवर्स 3/5 था, उसकी जगह हम टेन इनवर्स 3/4 लिख देंगे, और इसकी जगह क्या लिखेंगे, कॉट इनवर्स
बाई टू, तो कॉर्ड इनवर्स 3/2 किस में चेंज हो जाएगा, ये टेन इनवर्स 2/3 में चेंज हो जाएगा, ठीक है, 2/3 में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ भी टेन इनवर्स आ गया, टेन इनवर्स 2/3 आ गया, टेन इनवर्स 3/4 है। तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी की फॉर्म वैल्यू लगाओ, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 - AB, ठीक है ना, टेन और टेन तो कैंसिल हो गया, बस इस न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करना है भाई, एलसीएम लेना है, सॉल्व करोगे तो 17/6 आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 18 भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं चैप्टर मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो 1 और 2 बेटा बिल्कुल आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए दे रखा है, सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप उसको अपने आप ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो कैसे करना है इसको, क्वेश्चन नंबर 3 से देखो, हमें दिया हुआ है 2 sin inverse 3/5 और RHS में वैल्यू है 10 inverse 24/7। क्या वैल्यू RHS में, 24/7। तो हमें कैसे करना है भाई इसको, जब तक यहाँ पे 10 inverse नहीं आएगा तब तक हम फॉर्म नहीं लगा सकते 10 inverse के लिए। तो साइन इनवर्स 3 बाई फाइव को ए मान लो, हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे 2 tan inverse x का, जो वैल्यू होगी 10 inverse 2x / 1 - x², ठीक है। तो साइन इनवर्स 3/5 = a आ जाएगा, यानी कि साइन ए की वैल्यू बन जाएगी 3/5। तो कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी, अभी बताया कॉस ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी cos A = √1 - sin² a, यहाँ से कॉस ए की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ 4/5 हो जाएगा। तो टेन ए की वैल्यू कितनी बन जाएगी भाई, टेन ए की वैल्यू 3/4 बन जाएगी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाइए अब, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 10 inverse 3/4 आ जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, अब इस यहाँ पर sin inverse 3/5 की जगह क्या आ जाएगा, 10 inverse 3/4। तो अब आ जाएगा 2 tan inverse 3/4, तो 10 inverse 2x / 1 - x² लगाया, तो यहाँ पे सॉल्व करो 10 inverse 24/7 आ जाएगा, सॉल्व करते करते भाई ये 1 - 2x / 1 - x², एक्स का स्क्वायर करोगे एलसीएम लोगे कैंसिल आउट करोगे, ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू RHS आ जाएगा। ये भी बहुत सिंपल तरीका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा मिसलिनियस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा मिसलिनियस एक्सरसाइज का, जिसमें sin inverse 8/17 + sin inverse 3/5 = tan inverse 77/36 दे रखा है। तो यहाँ ध्यान दिया करो, आपके पास क्या है, टेन इनवर्स है, यानी कि यहाँ पे आपको टेन इनवर्स ए भी लाना है, टेन इनवर्स बी भी लाना है, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स से हमें टेन इनवर्स पे पहुँचना है, क्यों, क्योंकि यहाँ टेन इनवर्स दे रखा है, याद करो इस तरीके को। तो यहाँ साइन इनवर्स 8/17 है, उसको ए मान लो, तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी 8/17, कॉस ए हो जाएगा 15/17 और टेन ए हो जाएगा 8/15। यहाँ आपका साइन बी हो जाएगा 3/5, कॉस बी हो जाएगा 4/5, टेन बी हो जाएगा 3/4। ए की वैल्यू 10 inverse आ जाएगी 8/15, बी की वैल्यू आ जाएगी 10 inverse 3/4। अब देखो साइन इनवर्स की जगह और दोनों दोनों जगह हम 10 वाली वैल्यू रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 10 inverse a + b का फॉर्मूला लगाएंगे, 10 inverse a + b का फॉर्मूला लगेगा 10 inverse a + 10 inverse b / 1 - ab। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 10 inverse 32, मतलब सॉल्व करोगे इसको सिंपली एलसीएम एलसीएम लोगे तो लास्ट में कट कटाकर आपका आ जाएगा 77/36, ठीक है। ये मिस लिस्ट का क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 हम कर चुके हैं पहले पहले की वीडियो में, मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको डिस्कस करा चुका हूँ, आप ध्यान से उसको देखना, आपको मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन NCERT का, नहीं तो ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ मैं जो समझाने वाला हूँ वो ध्यान देना, अगर ये समझ में आ गया तो वाला क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। देखो पहले क्या था, पिछले क्वेश्चन में जो मैंने आपको समझाया, यहाँ 10 inverse था, अब क्या है, साइन इनवर्स है। तो यानी कि मुझे फॉर्मूला लगाना है, मुझे यहाँ पर कॉस और साइन और साइन और कॉस दोनों निकालने हैं, और फॉर्मूला लगाना है साइन ए प्लस बी का, किसका फॉर्मूला लगाना है, साइन ए प्लस बी का। यहाँ से ध्यान रखना भाई कि किसका फॉर्मूला लगेगा, टेन ए प्लस बी का लगाना है, साइन ए, यहाँ पिछली बार टेन इनवर्स दिया हुआ था तो टेन का लगाया था, यहाँ साइन इनवर्स दिया रखा है तो साइन का लगाएंगे, कॉस इनवर्स होगा तो कॉस का लगाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, और प्लस है तो प्लस का लगाएंगे, यहाँ माइनस होगा तो माइनस का लगाएंगे, यानी कि अगर यहाँ माइनस होता तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते। तो देखो इसको कैसे करना है, लेट कर लो अपना cos inverse 12/13 को a मान लो,
एंड साइन इनवर्स 3/5 को बी मान लीजिए, कुछ वैल्यू बी मान लो, तो यहाँ पर आपका कॉस ए की वैल्यू हो गई भाई आपके लिए 12/13, और यहाँ पर साइन बी की वैल्यू हो गई आपके पास 3/5। अब यहाँ से आप साइन ए निकालोगे, साइन ए निकालोगे तो 169 माइनस 144 25, तो 5/13 आ जाएगा। यहाँ फॉर्मूला याला लगा लेना भाई तुम, अगर फॉर्मूला लगाना है तो ये लगा लेना, स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, ठीक है, दोनों में लगा लेना, दोनों के लिए अप्लीकेबल हो जाएगा, उधर कॉस आ जाएगा उधर साइन आ जाएगा। एंड कॉस बी यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस 3/4, तो यहाँ जाएगा 4/5। आगे सारी वैल्यू साइन ए भी आ गया, कॉस ए भी आ गया, कॉस ए भी आ गया, साइन ए भी आ गया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ आपको लगाना है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का, क्या फॉर्मूला बनता है भाई साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला बनता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बन जाएगा, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू देखो अपनी कितनी है, साइन ए की वैल्यू 5/13, कॉस ए की, कॉस बी की वैल्यू कितनी है भाई 4/5, कॉस ए की वैल्यू कितनी है 12/13, और साइन बी की वैल्यू कितनी है भाई आपके पास 3/5, तो यहाँ पर आपका 65 हो जाएगा, 20 हो जाएगा ऊपर, इधर आ जाएगा 36, यहाँ आ जाएगा आपका 65। साइन ए प्लस बी आपका आया, यानी कि साइन ए प्लस बी आपका बन गया भाई 56/65। अब ये साइन उधर चला जाएगा तो यहाँ ए प्लस बी आपका बन गया साइन इनवर्स 56/65, और ए की वैल्यू क्या थी भाई, ए की वैल्यू थी कॉस इनवर्स 12/13, और बी की वैल्यू क्या थी साइन इनवर्स 3/5, जो कि बराबर हो गया साइन इनवर्स 56/65, ये आपका आंसर आ गया। तो बेसिकली हमें कहाँ ध्यान देना है, बेसिकली हमें कहाँ ध्यान देना है, हमें यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान देना है सबसे ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चनों में, कि आरएचएस में क्या वैल्यू है, किसको बराबर रखना है, साइन इनवर्स को, तो दिमाग में रखना है कि अब साइन का फॉर्मूला लगेगा, अब यह ध्यान रखना है कि ए प्लस बी का लगेगा कि ए माइनस बी का लगेगा, तो उसके लिए यहाँ आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड पर, अगर यहाँ प्लस है तो साइन ए प्लस बी का लगेगा, अगर यहाँ माइनस है तो साइन ए माइनस बी का लगाना है फॉर्मूला। यहाँ से अपनी साइन ए प्लस बी की जितनी भी वैल्यूज होती है, साइन ए कॉस बी, कॉस प्लस कॉस ए साइन बी, वो वैल्यूज यहाँ से निकाल लो, फिर फॉर्मूला लगाओ और पुट कर दो वैल्यूज को। इसी का जैसा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसलिए नहीं करा रहा मैं आपको, अपने आप ट्राई करना क्वेश्चन नंबर 7 इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 भी अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान दो। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, कि टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ आपको आरएचएस को देखो भाई, या तो आरएचएस से भी चल सकते हो या आरएचएस से भी चल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, तो हाँ आरएचएस से चलना बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है आरएचएस में। देखो आरएचएस में वैल्यू दी हुई है 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की, तो यहाँ पर हमको पुट करना है एक्स को टेन थीटा या टेन स्क्वायर थीटा, एक्स को क्या पुट करना है हमें, टेन स्क्वायर थीटा पुट करना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये किसका फॉर्मूला होता है, सर ये तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, तो भाई कॉस टू थीटा का फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है तो वेरी गुड है, इससे बढ़िया और मेरे को क्या चाहिए था, भाई कॉस इनवर्स कॉस टू थीटा बन जाएगा, तो कॉस और कॉस तो निपट गए, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, कितना रह गया 1/2 इंटू टू थीटा रह गया, टू और टू कैंसिल हो गए, कितना रह गया भाई थीटा रह गया सर। अब मैं 10 बार आपको समझा चुका हूँ कि भाई क्वेश्चन आपका एक्स में था, थीटा में आंसर नहीं छोड़ना है, तो सर थीटा में नहीं करना तो फिर कैसे निकालेंगे थीटा की वैल्यू, तो भैया उसके लिए अपनी पुटिंग वैल्यू पे आ जाओ, क्या पुट करा है एक्स को टेन स्क्वायर थीटा पुट करा है, इसका मतलब क्या है
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा होगा, यही होगा ना। तो टेन इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स रूट एक्स। तो यहाँ थीटा हमारा टेन इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा आपका थीटा की जगह टेन इनवर्स रूट एक्स। अरे यही तो चाहिए था आंसर, यही तो हमारा एल एच एस वाला वैल्यू है। तो इसका मतलब एक आंसर आपका एल एच एस अपने आप आ चुका है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना है। अब ये आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, 9th 10th 11th क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं सभी, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए डाउट सेशन में समझा दूंगा। अब नेक्स्ट हम चैप्टर शुरू करेंगे अपना डेरिवेटिव्स का, ठीक है ना। डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 5 हम शुरू करेंगे। वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो भाई।